हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल जॉब करियर में फिर से स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसएससी ने नई पोस्ट रिलीज की है एएसआई एसआई के पदों के लिए, और उन पर कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कितनी क्वालिफिकेशन मांगी, क्या क्या उसमें एज लिमिट है, ये सभी दोस्तों मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊँगा। ये दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो में आपको अच्छी तरह से जानकारी दे सकूं। देखिए दोस्तों, इसमें एसएससी ने एएसआई एसआई और एसआई जनरल ड्यूटी इन सभी पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, और इसमें जो एसएससी का नोटिस आया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, ये एसएससी ने नोटिस रिलीज किया है, जिसमें एसएससी ने डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट के लिए 3 मार्च 2018 की डेट रखी है, और क्लोजिंग डेट है जो वो 2 अप्रैल 2018 है। तो दोस्तों, आप 2 अप्रैल 2018 अप टू 5 PM से पहले अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें दोस्तों, एसएससी ने किन किन पदों के लिए आवेदन मांगे हैं ये देखिए दोस्तों। रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस CAPF एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन CISF। दोस्तों, इसमें एसएससी ने एसआई और एएसआई पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, और इनका पे स्केल है दोस्तों 35,400 से लेकर 1,12,400। तो देखिए, यही पे स्केल इन्होंने एएसआई सीआईएसएफ के लिए रखा है, और जो इसमें सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ये देखिए दोस्तों, ओपन कैटेगरी के लिए जो ओपन जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है ओपन कैटेगरी के लिए, तो देखिए दोस्तों 43 है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 है। आप ये सभी इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए, देखिएगा दोस्तों। और रही बात एएसआई के पदों की, सब इंस्पेक्टर के पदों की, तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर सब कुछ है, आप इनको देख लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, एएसआई इन सीआईएसएफ, ये वैकेंसी दोस्तों अभी इनलिमिटेड नहीं हुई है, थोड़ी कुछ दिनों के बाद इनलिमिटेड होंगी, तो इनके लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उस पे आइए दोस्तों। अब एज लिमिट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। एज लिमिट है जो वो 1 अगस्त 2018 से पहले 20 से 25 ईयर के बीच रखी गई है। अगर दोस्तों हम 20 से 25 ईयर के बीच हमारी एज है, तो हम इन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर, दोस्तों कैंडिडेट जो भी इसके लिए अपना आवेदन करना चाहता है, वो 2 अगस्त 1993 से पहले और 1 अगस्त 1998 के बाद का उसका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, किन किन कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन की बात कही है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 ईयर का है। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इन्हें देख लीजिए। और देखिए दोस्तों, इसमें कितनी वैकेंसी एसएससी ने रिलीज की हैं ये भी आप देख लीजिए एक बार। ये दोस्तों, नंबर ऑफ पोस्ट 1330 पोस्ट, तो दोस्तों इसमें एसएससी ने 1330 पोस्ट रिलीज की हैं, जिनके लिए हम अपना आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें एसएससी ने ग्रेजुएट डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। दोस्तों, इसमें एसएससी ने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो हम इन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिकल स्टैंडर्ड में देखिए दोस्तों, मेल के लिए जो हाइट रखी गई वो 170 सेंटीमीटर है, चेस्ट 80-85 है, और जो हाइट हील एरिया के कैंडिडेट के लिए है वो 165 सेंटीमीटर है, और चेस्ट 80-85 सेंटीमीटर है। देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई दे रहा है, आप इन्हें देख लीजिए। और जो मोड ऑफ सिलेक्शन है दोस्तों, वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट पे बेस्ड होगा। तो दोस्तों, अपनी तैयारी जम कर करें और इस टेस्ट में क्लियर हों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और ना ही हमारे, ताकि मैं आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए पूरी जानकारी के साथ बना सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।